हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मूंगफली है और ये काले चने हैं और ये मूंग है। ये तीनों को मैंने अच्छे से भिगा लिया था, रात में ही भिगा लिया था। ये स्प्राउट्स के लिए भिगाया था, पर अब मैं इसकी एक बहुत टेस्टी सब्जी बनाऊंगी। तो इस टाइप से भी आप देखिए बना सकते हैं, जैसे बच्चों को खाने का मन नहीं है ना स्प्राउट्स, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी रहता है, बहुत टेस्टी है। तो सबसे पहले कुकर में इसको बॉईल करेंगे और साथ में देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये प्याज डालूंगी और अदरक और लहसुन, तो ये भी साथ में इसको हम डाल लेंगे। और इसमें हम बॉईल करने के लिए देखिए क्या क्या डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ये डाल के हम बॉईल कर लेंगे इसको अच्छे से, दो विसिल देके फिर मैं आपको करीब पानी भी डालेंगे। बस ये दो टमाटर ले लेंगे हम, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़ा सा तेल डालना है, 1 स्पून के करीब। लाइट नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा अंधेरा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने क्या क्या ले लिया है, ये जीरा, ये हींग और ये धनिया पाउडर लिया है अच्छे भर के 1 स्पून, और 2 खड़ी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, साथ में डालेंगे हींग और 2 ये मिर्च लिया है ना, खड़ी लाल मिर्च है, ये डाल देंगे। और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और तुरंत हम डाल देंगे टमाटर जो काट के रखा है। चलाएंगे टमाटर मैश होने के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इसको मैश होने के बाद जो बॉईल किया ना उसको पलट। लाइट आ गई है तो ये देखिए इसमें अच्छे से मैश हो गया पूरा टमाटर। और ये हमने जो बॉईल किया था ना, ये देखिए कैसा लग रहा है। तो बस इसको हमें पलट लेना है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी है ये, और बहुत ही टेस्टी लगती है। चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी पराठा पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी है। और जितना पानी मिलाना है ना अपने हिसाब से हम देख लेंगे, और थोड़ा बहुत अगर हमको पानी का लग रहा है तो हम पानी मिला सकते हैं। लास्ट में इसमें डाल देंगे धनिया। तो एक टेस्टी रेसिपी देखिए तैयार हो गया है। तो इस टाइप से आप लोग बच्चों को बनाकर दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा, हम लोग भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है ये। गैस को ऑफ करती हूँ। ये देखिए स्प्राउट्स की सब्जी रेडी हो गई है। देखिए चने हैं, मूंगफली है, मूंग है और लाल मिर्च का तड़का है। ये देखिए कितनी टेस्टी है, देखिए, और न्यूट्रिएंट से भरपूर है ये, बहुत हेल्दी है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए। अक्षु को देखिए दे रही हूँ मैं रोटी के साथ, और साथ में मैंने ये देखिए बीन्स की सब्जी बनाई है। नहीं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और कैसी लग रही बेटा सब्जी? पसंद आई है सब्जी, और बहुत ही अच्छी लग रही है, सेमी सॉलिड है, और अच्छा चावल और ये सबके साथ खा सकते हैं इसको, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, स्पून से भी तुम खाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगी। पता है दाल मखनी ऐसा टेस्ट। प्याज अदरक लहसुन कुकर में डाल दिया था, वैसे बॉईल हो गया था, अलग से फिर टमाटर डाल के बना लिया बघार के, और जल्दी बनती है, बहुत जल्दी फटाफट बन गई थी, मतलब मुश्किल से 6-7 मिनट में बन गई थी सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और अभी खाना खाने का किसी का मन नहीं है, तो आज क्या करेंगे, 2 चीज बनेगी, एक तो नमकीन बनेगा और एक मीठा बनेगा। मीठे में गुलगुले बनाऊंगी मैं, केले और गुड़ के, और नमकीन में बनेंगे भजिए, जो भी अपने घर वेजिटेबल्स है, फूल गोभी हो गई, आलू है, प्याज है, जो भी हमें डालना है। तो ये 2 चीज बनेगी आज, क्योंकि मीठा तो बनना ही है। अब ये कह रहे हैं मीठे के साथ नमकीन तो बनाओ, तब तो मजा आएगा, खाली मीठा मीठा कैसे खाएंगे, तो इसलिए 2 चीज बना लेंगे। तो चलिए पहले गुलगुले बनाऊंगी और साथ में दोनों को मिक्स करके रख लूंगी, 10 मिनट के बाद फिर बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए, तो गुलगुले के लिए देखिए मैंने ये 3 केले ले लिए हैं, 3 केले रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसका यही बना लेते हैं। तो ये 3 केले को ना छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम, सबसे पहले तो इसको छील के ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे।
तो इस टाइप से पूरे केले जो तीनों हैं ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएगा। अब ये देखिए मैं इसमें ले रही हूँ एक बाउल भर के गुड़, और एक ही बाउल में ये आटा लूंगी, और साथ में मैं ले रही हूँ ये देखिए काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो काली मिर्च जरूर आप ऐड करिए। और इसी में हम डाल देंगे आटा और ये डाल देंगे गुड़। गुड़ को मैंने कूट लिया है, बस अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और फिर 10 मिनट रख के 10 मिनट के बाद इसको तलेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ना, और आटे की अगर हमें और मतलब लगेगा ना तो हम आटा और मिला लेंगे इसमें, और नहीं जरूरत है तो हम नहीं मिलाएंगे। तो पेस्ट हमको उतना ही रखना है जैसे भजिए का पेस्ट रहता है ना, बस उतना ही रखना है हमें। अब ये देखो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अब कर रहे हैं, अब तैयारी हो रही है भजिए की। तो ये देखिए इसी बाउल से मैंने ये ले लिया है, अब ये मैं छानती नहीं हूँ क्योंकि भजिए में जरूरत नहीं है छानने की। तो एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और ये ले रही हूँ अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और बस इसको पानी डाल के इसमें अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे इसको। तो फेंटने से क्या हो जाएगा कि तुरंत भी हम बना सकते हैं। आज किसी का खाने का मन नहीं था, ये देखिए फेंट गया, एकदम सॉफ्ट हो गया देखिए। तो बस इतना सॉफ्ट कर लेंगे, अब सब्जियां डाल के बस तलना है हमको। ये दो पेस्ट देखिए रेडी हो गया है, तो सबसे पहले तो ये स्वीट वाला मैं तलूंगी, उसके बाद ही वो तलूंगी मैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे कोई भी शेप का बना सकते हैं, चपटा बनाना है चपटा बना लीजिए, गोल बना लीजिए, छोटे बड़े, क्योंकि खाना तो हमको ही है। बस बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि गुड़ भी डाला है इसमें, तो मीठापन और ज्यादा हो जाता है। खाली केले डाल के बनाएंगे ना तो इतना स्वीट नहीं रहता है, गुड़ बहुत जरूरी है। धीरे धीरे इसको पलट भी लेंगे, ये देखिए ऐसे पलट लेंगे ना तो दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। क्या मीठा है ना तो थोड़ा सा चिपकता है ये कढ़ाई में। सब पलट लिए मैंने, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत मजा आता है, मीठा मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है कुछ ऐसा स्वीट खा लो करके। केले जब भी बचते हैं ना तो हमारे यहाँ बन जाते हैं ऐसे, और एक में तो बना नहीं सकते, दो या तीन बचते हैं ना जब भी, और कई बार चार भी बचते हैं, तो यही बनाती हूँ मैं। ये साइड में जो जमा है ना गुड़ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर ही डाल देंगे ऐसे। ये देखिए दोनों साइड सिक गए अच्छे से, इधर भी सिक गए इधर भी सिक गए, इनको हम निकाल लेंगे। और ये जो गुड़ चिपका है ना ये भी निकाल लेंगे। फ्लेम को तेज कर दिया मैंने, अब इनको सिकने देंगे। अब ये उसी तेल में मैं भजिए बनाऊंगी। तो ये देखिए प्याज है, फूल गोभी, आलू और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ मैं। तो इसमें डाल के क्या करूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और नमक पहले डाल ही दिया है, लाल मिर्च नमक अजवाइन सब डाल दिया है, इसको हमें तलना है बस। ये बहुत
बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लगता है। और एक चीज मैं इसमें मिलाना भूल गई फ्रेंड्स, ज्यादा क्रिस्पी करने के लिए मैं अभी मिलाती हूँ आपके सामने एक और चीज। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है और एक और चीज अभी मैं लेके आती हूँ मिलाने के लिए। अब देखिए मैं इसमें क्या मिलाने जा रही हूँ। ये है चावल का पाउडर, ये मैं मिलाऊंगी 2 स्पून, 1 स्पून और 1 और स्पून। और बस इसको और अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो पानी मिला लेंगे, और नमक भी चाहिए तो नमक भी मिला लेंगे। तो और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनती है। जब भी भजिए बनाते हैं ना तो चावल का पाउडर जरूर मिलाइए आप लोग। इसमें मैं डालना भूल गई, रखा था चावल का पाउडर पर देखिए मैं भूल गई, फिर एकदम से डाला ना तब जाके ध्यान आया मुझे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला लूंगी और मिर्च पाउडर भी मिला लूंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, मजा आ जाएगा। आज तो क्या रोटी सब्जी तो खाते ही रहते हैं, कभी कभी चेंज हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्या मैंने मीठा तला था ना तो ये गुड़ के निशान है सब, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है ऐसे कलर। चावल का आटा डालने से ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। मार्केट में ऐसे ही देते हैं, वो लोग बताते नहीं है, पर मार्केट में ना जो मिलता है ना सेव, उसमें चावल का आटा मिक्स रहता है और हम लोग सोचते हैं बेसन के हैं तो प्योर बेसन के नहीं रहते हैं वो, उसमें चावल का आटा थोड़ा सा मिलाते हैं वो लोग। 3:2 का रेशियो रहता है, जैसे 3 ये डाल दिया तो 2 चावल का आटा डाल देंगे, 3 कटोरी बेसन में 2 कटोरी चावल का आटा, ये रेशियो रहता है। मम्मी ऐसे ही बनाती थी पहले, अब मम्मी का देख देख के मैं भी ऐसे ही बनाने लग गई। तो इस टाइप से देखिए दोनों बन गए हैं, ये बने हैं गुलगुले, खोल खोल के ऑपरेशन करा इसको क्योंकि गर्म बहुत थे ना, खाया नहीं जाता एकदम से। और ये भजिए, पूरे भजिए देखिए सेक लिए, ये लास्ट था, पूरे अच्छे से सेक लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दोनों चीजें बन गई है, गुलगुले भी बन गए हैं और भजिए भी बन गए हैं वेजिटेबल्स वाले। इसमें और भी वेजिटेबल्स हम लोग डाल सकते हैं, जैसे गिलकी डाल सकते हैं, कच्चा केला डाल सकते हैं, और भी वेजिटेबल्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग मतलब कमेंट करके जरूर बताइए कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।